हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग इन नेक्स्ट 72 आवर्स, यानी अगले 72 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपको और आपके कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये हम चेकआउट करेंगे अपने कार्ड्स के थ्रू, लेकिन उससे पहले अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और आप चाहते हो मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊँ, राइट? आप चाहते हो कि आज की वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, राइट? तो लाइक भी करना है इस वीडियो को। डन, गुड। चलो तो अब चेकआउट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है? तो इसे ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है, ठीक है? और साथ ही साथ जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सोचते रहें, अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स जरूर लिखें, क्योंकि आप इस रीडिंग में पहुंचे हो तो इसका मतलब यूनिवर्स और डिवाइन चाहते हैं कि आप आज की रीडिंग सुनो। ओके, तो इसलिए कमेंट में ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स जरूर लिखना है। चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स फीलिंग्स। तो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में नेक्स्ट 72 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली है उनके पर्सन की। आज तो कार्ड्स आर कमिंग आउट फॉर यू। ओके, सो द नाइट ऑफ कप इज हियर, डेथ कार्ड इज ऑल्सो हियर। चलिए, ओके, एट ऑफ वैंड्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है फॉर सम पीपल। एंड आपके पर्सन अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके तरफ भाग कर आ रहे हैं, और वो भी, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, ठीक है, तो भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, कैन यू सी द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स? ब्यूटिफुल, इट्स लाइक यू, आप हो क्वीन ऑफ वैंड अपने पर्सन के लिए, ठीक है? और अगर मैन हो, मेल हो, तो आप किंग हो अपनी अपने पर्सन के लिए। यू नो व्हाट, आपकी पर्सन ना आपको एज अ, एक होता है ना कि दूर तक का सोचना, ठीक है? तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने एक हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ की तरह वो आपको देखते हैं, जैसे आप उनके लिए एक हस्बैंड मटेरियल या फिर एक वाइफ मटेरियल हो प्रॉपरली, जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, ठीक है, जिसके साथ घर टूटने का खतरा नहीं है, ठीक है? तो मे बी दैट्स द एनर्जी यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड की आफ्टर ऑल उठ कर आई है, ठीक है? तो दे टेक यू एज अ हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल, आपको मानते हैं कि आप हो, ठीक है, आप वाइफ बनने लायक हो उनकी, आप उनके हस्बैंड बनने लायक हो, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ फैमिली इश्यूज। अगर कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मे बी इट्स शोइंग कि हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फैमिली इश्यूज के कारण, क्योंकि उनकी फैमिली लव मैरिज सपोर्ट नहीं करती, या फिर ट्रेडिशंस डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, एज गैप बहुत ज्यादा है। तो फॉर सम पीपल ये सिचुएशन भी हो सकती है, मैंने दोनों सिचुएशंस आपको बताई हैं। यहाँ पर चलिए एनर्जी सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जोडियक्स की जो एनर्जी है वाज लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है? ये आज की एनर्जीज हमें यहाँ पर दिखने को मिली हैं, ठीक है? तो ये जोडियक साइंस आपके, आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। और आज के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो लाइक 1, 1, ठीक है, 8, 7, 6, 2, 8, 7, 6, 2, ये नंबर कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ में या तो हो सकता है आता हूँ, इतने में मतलब मे बी अगर मैंने बोला 8, तो 8 ईयर्स का मे बी आपका रिलेशनशिप हो, 8 मंथ्स का रिलेशनशिप हो, 8 वीक्स का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या फिर 8th मंथ यानी अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वजह से आप 8, 7, 6 एंड 2, ठीक है, इन नंबर्स को आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया कि वो आपको एज अपनी क्वीन देखते हैं, एज अपने किंग देखते हैं, है ना? अच्छा, लेकिन और हो सकता है क्वीन और नाइट भी आया, तो मे बी आप लोगों में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अदरवाइज एज गैप बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वीन है और यहाँ नाइट है, तो अगर एज गैप भी हो सकता है बहुत है, या फिर आपके पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड है किसी से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग, तो थाउजेंड के थाउजेंड की ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मे बी आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टी ऑलरेडी हो, प्रेजेंट हो, जो आपको पता है कि है, ठीक है?
तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है. मैंने कहा ना एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उसे ले सकते हो. तो देयर कैन बी अ सिचुएशन कि हो सकता है आपकी पर्सन की ऑलरेडी मैरिड है और उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, और तब भी आपको उनसे प्यार हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल नहीं था, ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं था, आपको प्यार होना था, आपको हो गया प्यार, दैट्स द सिचुएशन. और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन दौड़ कर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं. यूनिवर्स उन्हें कहीं भी घुमाए, कितना ही आपसे दूर भी भागने की कोशिश करेगा ना आपका पर्सन, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है चाहे नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तक सपोज करो आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है, तो कहीं पर भी वो भाग लें लेकिन दौड़कर उसको आपके पास आना है क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं देखो मंजिल आप ही हो. ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे कार्ड्स में, इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और मे बी पॉसिबल है कि आपका पर्सन आप पर आ सकता है. साथ ही साथ मे बी आपका पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो उनको प्रपोज करना चाहते हैं, जो उनके जो चाहते हैं कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, या फिर आपका पर्सन बहुत फेमस है, ठीक है, या फिर मे बी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है. लेकिन आपके पर्सन का अट्रैक्शन किसकी तरफ है? सिर्फ आपकी तरफ, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से डेथ का कार्ड भी है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो आई बिलीव आपको कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मानते हैं कि जैसे आप उनकी जिंदगी का ना एक क्या कहेंगे विश फुलफिलमेंट, आप उनकी जिंदगी की वो विश हो जो कहीं ना कहीं उन्होंने गॉड से मांगी थी और उन्हें मिल गई, नसीब में आई है उनकी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, उन्हें शायद पता भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो कुछ क्वालिटीज, जैसे एक होता ना कि मुझे ऐसी पर्सन मिले जो मुझे बहुत केयर करे, मुझे बहुत सपोर्ट करे, मैं जैसा भी पर्सन हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करे, जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करूँ, तो वो सारी चीज़ें उन्हें आप में देखने को मिली हैं जो वो चाहते थे कि उनको अपने पर्सन में देखने को मिले, ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें आप में देखने को मिली है. लेकिन सिचुएशन इज कि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो भी लोग स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो बात नहीं हो पा रही है. तो अब क्या हुआ है सिचुएशन, पहले वो डिफरेंट थे, अब उनकी फीलिंग्स टोटली चेंज हो गई है, ठीक है, पहले वो आपको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, पहले वो समझ में नहीं पा रहे थे इस चीज़ को कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना लगाव है आपके साथ, कितनी अटैचमेंट है, आप उनके लिए अटैचमेंट हो उनकी, ठीक है, लेकिन जैसे ही पहले में भी शायद उन्होंने आपको कुछ हर्टफुल वर्ड्स भी बोले हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुम नहीं पसंद हो, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे डेथ का कार्ड, चेंजेस आ रहे हैं उनकी फीलिंग्स में, वो कंफ्यूज्ड थे लेकिन अब क्या है क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो आप ही से प्यार करते हैं, आप ही उनकी वो मंजिल हो, जहां पर भी वो भाग के जाएंगे आप ही उनकी वो मंजिल हो, ठीक है, तो मे बी पहले उनकी लाइफ में वो क्लैरिटी नहीं थी लेकिन जब से वो आपसे अलग हुए हैं, जब से वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, जब से उन्होंने आपको मना करा है कि कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, जब से ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चला है तब से उन्हें ये चीज़ रियलाइज हुई कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, और अभी भी नेक्स्ट 72 आवर्स भी कहीं ना कहीं देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपसे आकर मिले, आपसे आकर बात करें, ठीक है, आपको वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपको वाकई क्लैरिफाई करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर. तो ट्रैवलिंग यहाँ पर दोनों कार्ड्स में है, कैन यू सी ओवरसीज ट्रैवलिंग यहाँ पर है, यहाँ पर एयर ट्रैवल भी है, बाय रोड ट्रैवल भी है, ठीक है, तो दो जगह से मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर होगी इस 72 आवर्स में आपके पर्सन की, ठीक है, और अगर आप दोनों ही कहीं ट्रैवल करके, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको आपको वो पर्सन वहाँ मिल जाएगा, वहाँ दिख जाएगा आपको. अब जैसे सोच रहे हो कि मैं कहीं ट्रैवल करके यार मैं वहाँ जा रही हूँ, क्या वहाँ पर वो होगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है, चलिए और देखते हैं उनके 72 आवर्स की क्या फीलिंग्स हैं. ओके, सो लेट अस चेक आउट, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में उनके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स फीलिंग क्या है. सक्सेस, ओके, वेरी ब्यूटिफुल. स्किज़ोफ्रेनिया, माय गॉड, देखा मैंने कहा था ना वो क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे, एक जगह नहीं आ पा रहे, ठीक है, कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं. आपसे आकर बात करें तो कैसे करें, किस मुंह से आकर बात करें, पहले इतने हर्टफुल वर्ड्स बोल चुके हैं, ठीक है, क्रिएटर,
देखो पार्टिसिपेशन, ओ माय गॉड, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिली है ना, दिस पार्टिसिपेशन कार्ड इज टेलिंग कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, फॉर श्योर, डेफिनेटली फॉर श्योर. ठीक है, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिली है स्पेसिफिकली मैरिज से रिलेटेड, उन्हें लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये कमिटमेंट स्पेसिफिक रीजन बना है आप लोगों के सेपरेट होने का, नो कॉन्टैक्ट में आने का, तो आपका पर्सन जो है वो फीलिंग चेंज हो रही है और वो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कमिटमेंट देने वाला है. वी आर वर्ल्ड, आपको दुनिया मान बैठा है वो. ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दुनिया मान बैठा है वो अपनी, जो भी पर्सन है, और आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है. रीजन इज आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको लग रहा है शायद अब कुछ हो नहीं सकता है. ठीक है, वो पर्सन मेरी लाइफ में इतना ही था और इतना चला गया है. लवर्स, इतना ही शायद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पर्सन का रोल इतना ही था मेरी लाइफ में. न्यू विजन, देखो रिकंसिलेशन के चांसेस, रीयूनियन के चांसेस, न्यू विजन दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने 72 आवर्स में क्या क्या होने वाला है ना, मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, अभी तक तो हम जनरली सारे कार्ड्स देख रहे थे, तो यहाँ पर जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, मैंने बताया कमिटमेंट मिलेगी उन्हें. ठीक है, कहीं लोगों की लाइफ से, अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि आपकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी हट जाएगी. ठीक है, टिल द टाइम अगर वो उनकी वाइफ नहीं है तो. ठीक है, क्योंकि ये वाइफ सेपरेट होने का नहीं है कार्ड. अगर वो सिर्फ उनके पर्सन में, उनकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फाइट्स होती हुई दिख रही हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी हटती हुई दिख रही है, तो अगर वो उनकी वाइफ या हस्बैंड नहीं है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हटने के नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं. आपसे कॉन्टैक्ट होने के चांसेस हैं, आपको कॉल या मैसेज आ सकता है. ठीक है, मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट यहाँ पर है, ट्रैवलिंग यहाँ पर है, सक्सेस यहाँ पर है, क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन को इन नेक्स्ट 72 आवर्स में. आपके पर्सन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस चीज़ को लेकर, जैसे अभी वो फंसे हुए ना, मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ. ठीक है, आपकी तरफ जाऊँ, आपकी सुनूँ या अपनी फैमिली की सुनूँ, आपकी सुनूँ या थर्ड पार्टी की सुनूँ, तो वो अपनी क्लैरिटी में आ जाएंगे. ठीक है, वो अपनी क्लैरिटी में आ जाएंगे कि मुझे इसकी सुननी है या उसकी सुननी है. एक क्लैरिटी, क्रिएटर का कार्ड. ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, यू नो व्हाट, कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है. रियली उनको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है. वो किससे जाकर अपनी चीजें डिस्कस करें, किससे जाकर पूछे यार सही क्या है, गलत क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, लेकिन एक जब हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा होता है ना, कैन यू सी, जब हमारी आंखों पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आंखों पे पर्दा पड़ना, ठीक है, जब उस थर्ड पार्टी का पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, या फैमिली फ्रेंड्स का पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे जब पर्दा पड़ा होता है ना, तो वो हटाने के लिए एक नॉलेज ओपन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वो नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं यहाँ उन्हें मिलती हुई दिख रही है मुझे. ठीक है, तो मे बी देर इज अ वेरी स्ट्रांग चांसेस कि आपके पर्सन एक क्लैरिटी में आएंगे एटलीस्ट. ठीक है, कि वो क्यों आपको काफी मिस कर रहे हैं. ठीक है, और मिस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन जैसे जैसे दिख रही है, तो वो जो होता है ना, एक चीज को बार बार सोचते 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 क्लैरिटी आती है, यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, इतना ज्यादा मैं क्यों सोच रहा हूँ, है ना, क्या मुझे उससे डेफिनेटली प्यार हो गया है, तो वो वाली सिचुएशन. ठीक है, और अगर मुझे उससे प्यार हो गया है, तो मैं वहां तक जाने के लिए क्या रास्ता बनाऊं, किसको बीच में डालूं. ठीक है, तो देर इज अ स्ट्रांग चांसेस कि वो ओवर थिंकिंग की सिचुएशन के बाद उनको क्लैरिटी मिलना. ठीक है, तो आई बिलीव के नेक्स्ट 72 आवर्स में सारी चीजें जो मुझे दिख रही हैं आपकी तरफ, कब भी आ रहा है, पार्टिसिपेशन भी है, वर्ल्ड भी है, लवर्स भी है, क्वीन भी है. आई थिंक अमेजिंग रीडिंग टुडे. ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन अगर आपको अभी कुछ कह पाते हैं तो वो क्या कहते. वन सेकेंड, लेट मी पिक द कार्ड्स. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको अभी कुछ कहते हैं तो वो आपको क्या कह सकते हैं. तो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में कि उनके पर्सन अगर उन्हें कुछ कहते हैं. या कडल्स आर वो डाइंग फॉर, तुम्हारे सिर्फ हक करना तुम्हें. ठीक है,
ऐसा है जिसके लिए शायद मैं मर भी जाऊं, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पास रखना, उनको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है उनको सिर्फ आप अगर उनके पास भी हो तो। चलिए देखते हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, वही एनर्जी है यहाँ पर कि तुम मुझे मेरी रानी की तरह या तुम मुझे मेरे राजा की तरह जो आप ट्रीट करते थे ना उन्हें, वो शायद उन्हें बहुत पसंद था। देखो, नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, क्या सोच रही है मेरे बारे में। फ़र्क उन्हें किस चीज़ से पड़ता है कि आप उन्हें स्पेशल फील करवाते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ये तीन कार्ड्स भी पिकअप होकर आए हैं, इनको भी देख लेते हैं। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब मैं बीमार होता हूँ तो कहीं ना कहीं तुम मेरा ध्यान रखती हो, मेरी साइड रहती हो हमेशा, ठीक है। और देखते हैं, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। मुझे बहुत पसंद है जब तुम जैसे मेरी इज्जत करती हो, जैसे मुझे रिस्पेक्ट देती हो, ठीक है। आई फील ईज व्हेन आई एम विद यू, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तो ये कुछ उनके मैसेजेस हैं जो वो शायद आपके पास अगर अभी होते, अभी उनसे आपकी बात होती, ठीक है, स्पेसिफिकली इन नेक्स्ट 72 आवर्स, तो डेफिनेटली वो ये सारी चीज़ें, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको कह पाते, राइट। तो चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप सो कि आपको क्लियर क्लैरिटी मिली है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।